बुक ऑडियो के टेबल पर एक बार फिर से प्रस्तुत है वंदना सिंह जी की पुस्तक चाय की चाह, ज्योति झा की आवाज में। और आज चाय की प्याली के साथ हम सुन रहे हैं सर माइन की दुविधा। सुबह से ही शर्मा जी के घर लोगों का तांता लगा हुआ है। कभी मोहल्ले का कोई आ जाता था तो कभी कोई ऑफिस का सहकर्मी आ जाता था। पूरे दिन उनके घर में लोगों का आना जाना लगा ही हुआ था। कल शाम को शर्मा जी का एक्सीडेंट हो गया था। शर्मा जी कुछ सामान लेने अपनी बाइक से जा रहे थे, तभी गली के एक कुत्ते ने उन पर हमला बोल दिया। गलती उसकी भी क्या कहें, उसे भी आदमियों से डर लगता है, तो बचाव में उसके पास हमले के सिवा कोई चारा नहीं था। पर अचानक हमले के लिए शर्मा जी भी तैयार नहीं थे और इस हमले की वजह से शर्मा जी का बाइक से संतुलन बिगड़ गया। शर्मा जी वहीं गिर पड़े। शर्मा जी जो 55 साल के आसपास के थे, साथ ही भारी भरकम शरीर के मालिक भी थे। जब एक बार बाइक से उनका संतुलन खोया तो उनके शरीर में इतनी फुर्ती नहीं थी कि वह खुद को संभाल पाते। उन्हें जगह जगह खरोंच तो आई ही थी, पर शायद चोट पैर पर लगी थी। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने दाहिने पैर पर प्लास्टर लगा दिया, साथ ही साथ 3 हफ्तों का समय दिया प्लास्टर हटाने का। अब तो शर्मा जी 3 हफ्तों के लिए ऑफिस से सिक लीव लेकर घर पर रह रहे हैं और उन्हें देखने वालों एवं उनका हाल चाल पूछने वालों की लाइन लगी रहती है। शर्मा जी की पत्नी एक और तो उनकी देखरेख करती हैं, वहीं आने जाने वालों की आवभगत की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आ पड़ी है। शर्मा जी की पत्नी का नाम वैसे तो शैलजा है, पर पूरा मोहल्ला और जानने वाले उन्हें सरमाइन या गुड्डी की अम्मा के नाम से जानते हैं। वैसे भी यूपी में मिश्रा जी की बीवी मिश्राइन, गुप्ता जी की बीवी गुप्ताइन होती है, तो हमारे शर्मा जी की बीवी भी शर्माइन कही जाती हैं। गुड्डी की अम्मा इसलिए क्योंकि उनकी बेटी का नाम गुड्डी है। गुड्डी उनकी 20 वर्षीय बेटी है जो कॉलेज से बीए कर रही है। शर्मा जी इतने मिलनसार हैं कि राह चलते व्यक्ति से भी परिचय कर ले। अब जितना बड़ा जानने वालों का समूह, उतने ही लोगों की आवाजाही लगी रहती है। उस पर वह तो कुछ कर नहीं सकते। उनकी पत्नी का एक पैर मेहमानों के पास तो दूसरा चौकी में रहता है। एक के बाद एक मेहमान आते रहते हैं। वही घिसी पिटी प्रश्नों की झड़ी लग जाती है। अरे शर्मा जी, यह सब कैसे और कब हुआ? शर्मा जी कहते, शाम जब हम बाइक से जा रहे थे, गली के कोने पर कुत्ते ने झपटा मार दिया, हमारा बैलेंस बिगड़ गया और हम बाइक लिए लिए गिर गए। डॉक्टर के पास गए तो 3 हफ्ते का प्लास्टर लगा दिया है। अब ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पर बैठे हुए हैं। अगला प्रश्न आता है, दर्द हो रहा है। अब भैया यह बताइए, जब एक खरोच से भी इतना दर्द होता है तो इतने बड़े फ्रैक्चर में दर्द तो होगा ही। ऐसे प्रश्नों से झल्लाने के बजाय शर्मा जी मन ही मन बड़े खुश होते थे कि उन्हें पूछने वाले इतने लोग हैं। वे तो गिन कर भी रख रहे थे कौन कौन उन्हें देखने आया है। दर्द के सवाल पर शर्मा जी अपने चेहरे पर दर्द के भाव लेकर आते, थोड़ा मुंह लटकाकर जवाब देते हैं, दर्द तो है पर पेन किलर से थोड़ी देर आराम हो जाता है। इसके बाद आने वाले मेहमान का एक सांत्वना वाला वक्तव्य आता है, चलिए कुछ दिन में आराम आ जाएगा, वह तो भगवान का शुक्र मनाइए कि आपको इतनी ही चोट लगी। इसके बाद फिर तो शर्मा जी को हर मेहमान के सामने अपनी टांग टूटने की कहानी सुनानी पड़ती थी। बस सामने बैठे हुए सुनने वाले लोग बदल जाते थे। उनके सुनाने का तरीका हर बार एक जैसा रहता था कि लगता था कि शर्मा जी नहीं, कोई टेप रिकॉर्डर बोल रहा है। ना एक शब्द इधर ना एक शब्द उधर, पूरे घटना का वृतांत वे हर बार एक ही समान सुनाया करते थे। इसी बीच शर्मा जी नाश्ता लगा देती
कुछ नमकीन बिस्किट दे जाती, आने वाले मुंह में भरते और फिर सरमाइन चाय के लिए पूछती। बस इतना पूछना था कि लोगों की मांग आने लगती थी, भाभी जी जरा कड़क चाय बना दीजिएगा। कोई कहता, चीनी कम ही रखिएगा। दूसरा कोई कहता, चीनी ज्यादा और दूध ज्यादा। मेहमानों की चाहत के अनुसार सरमाइन 3 दिन तक तो चाय बनाती रही, साथ में कभी बिस्किट नमकीन पोहे समोसे आदि मेहमानों को देती रही। उसके बाद मेहमानों की यहाँ वहाँ की बातें शुरू हो जाती चाय की चुस्कियों के साथ। पांडे जी तो यहाँ तक कह रहे थे, ऐसे ही हमारे मौसी का लड़का गिरा था, वह तो बच ही नहीं पाया बेचारा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत है। अब पांडे जी की ये सांत्वना शब्द तसल्ली से ज्यादा तो डराने का कार्य कर रहे थे। लोग ऐसे ही आते और अपने अपने रिश्तेदारों पड़ोसियों और आदि के उदाहरण देते कि कैसे उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था और उनकी घटना का क्या परिणाम हुआ। आज सुशील जी आए हुए हैं जो शर्मा जी के सहकर्मी हैं। दर्द के हालचाल के बाद चाय की चुस्कियां और साथ ही साथ राजनीति की बातें चलने लगी। उस पर थोड़ी देर बाद शर्मा जी कहते हैं, अरे गुड्डे की अम्मा एक कप चाय और बना दो, सुशील जी को ज्यादा चाय पीने की आदत है। इस पूरे एक्सीडेंट के किस्से में शर्मा जी का तो मनोरंजन हो रहा था, उन्हें लोगों का अटेंशन पाने में बड़ा मजा आता था जो इस समय उन्हें भरपूर मिल रहा था। असली में जो झेल रही थी वह सरमाइन थी। 2 दिन तक तो बेचारी दिन रात काम करती रही, उसे खाने का भी होश नहीं था, या यूं कहे चाय बनाते बनाते खाने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। जब तक खाने का समय होता था तो कोई ना कोई आ जाता था, तो फिर से वह चाय बनाने में लग जाती थी। कभी कभी वह भी कुछ चाय के चुस्कियां ले लेती तो बची खुची भूख भी मर जाती थी। तीसरे दिन सरमाइन से रहा नहीं गया और चौके में चाय बनाते बनाते बिफर पड़ी। उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया, हम अकेली जान क्या क्या करें, इनको भी देखो चूल्हा चौका भी देखो, गिरे थे तो चुप नहीं रह सकते थे, खुद ही सबको फोन कर कर के बताए जा रहे हैं, हम गिर गए हैं, हमें पैर में प्लास्टर लग गया है, तो लोग जने तो आएंगे ही देखने के लिए, इनका तो कुछ नहीं जाता, हमारी रेल लगी है चाय बना बना कर, एक बेटी है वह भी हाथ नहीं बटाती, तैयार होगी और निकल जाएगी बैग टांग के कॉलेज। अरे 2-4 दिन कॉलेज नहीं जाएगी तो पहाड़ नहीं गिर पड़ेगा, दिखती नहीं माँ कितनी परेशान है। अभी वह बड़बड़ा ही रही थी कि मोहल्ले की सरला चाची पीछे से आ गई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ गुड्डी की अम्मा, इतना काहे तुम तम आ रही हो। सरला चाची को सभी चाची ही कहते हैं, चाहे बच्चे हो या बड़े। सरला चाची 5 फीट 6 इंच की थी, ऊपर से 84-85 किलो वजन, उसके ऊपर हमेशा चटक रंग की साड़ी पहनती थी, गोरी चिट्टी थी तो ये रंग उन पर जंचते भी खूब थे। पूरे मोहल्ले में वह समझदार महिला मानी जाती थी। मोहल्ले की औरतों को जब भी कोई सलाह मशवरे की जरूरत होती थी तो सब उनके पास ही पहुंच जाती थी। चाची जी भी शर्मा जी की खबर सुनकर उनका हाल चाल लेने आई थी और तभी उन्होंने सरमाइन को बड़बड़ाते हुए सुना। सरमाइन ने लाचारी जताते हुए कहा, चाची नमस्ते। बस कुछ नहीं चाची, 2 दिन से घर चाकार गुट्टी के पापा की तिमारदारी करते करते परेशान हो गए। ऊपर से जितनी बार लोग इनसे मिलने आते हैं उतनी बार चाय नाश्ता का कार्यक्रम चलता रहता है। चलो नाश्ता तो बाजार का चल जाता है, पर बार बार चाय बनाते बनाते खाना बनाने का समय ही नहीं मिल पाता। ऊपर से गुड्डी भी कोई मदद नहीं करती। अब आप ही बताइए चाची, हम अकेले क्या क्या करें।
कुछ लोग तो आते ही हैं, तो उनकी चाय की फरमाइश भी अलग अलग होती है। किसी को कम मीठा, किसी को ज्यादा, किसी को दूध वाली, किसी को कड़क चाय चाहिए। अब तो हम चाय बना बना कर थक गए हैं। एक दो दिन के बाद कुछ और है। ये कहानी तो जब तक ये प्लास्टर में है तब तक चलती रहेगी। कहते हुए सरला चाची ने एक लंबी सांस छोड़ी और हामी भरकर कहा, बात तो तुम सही कह रही हो गुड्डी की अम्मा, पर तुम यह भी तो सोचो, शर्मा जी को इतने लोग जानते हैं तो उनका हालचाल पूछने आएंगे ही, यह भी तो दुनिया की रीत है। इसके आगे चाची ने बोलना जारी रखा, तुम्हें याद है मेरी चचेरी बहन का लड़का जो शहर में रहता है, उसका भी 6 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन चलते फिरते रोड पर भी आधे घंटे तक खून में लथपथाया हुआ तड़प रहा था। किसी ने उसे अस्पताल तक नहीं पहुंचाया। जब पुलिस वहां पहुंची तब जाकर पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। वहीं शर्मा जी के गिरते ही 2 मिनट के अंदर मोहल्ले और आसपास के लोगों ने उन्हें जल्दी से अस्पताल में भर्ती करा दिया था। चाची ने गंभीरता से बोला, अब देखो यहाँ लोग इतने मददगार हैं, एक दूसरे के दुख सुख में हर संभव प्रयास करते हैं एक दूसरे की सहायता करने के लिए, जो शहरों में देखने को नहीं मिलता। कोई मुंह से पूछ मिले तो जहाँ असली मदद की बात आती है तब सब अपने हाथ खींच लेते हैं। चाची की बातों को सुनकर शर्माइन को भी इस बात का एहसास हुआ कि सही तो कह रही है चाची। आए दिन अखबार में भी शहर की खबरें आती हैं कि लोग कैसे वहाँ इतने व्यस्त हैं कि उन्हें दूसरों के जिंदगी में क्या चल रहा है जानने की फुर्सत ही नहीं है। किसी को किसी की जरूरत हो तो कोई नहीं मिलता। शर्माई ने भी सहमति जताते हुए कहा, चाची आप बात तो सही ही कह रही हैं, पर हम भी इतना थक जाते हैं कि ऐसी बातें दिमाग में आ गई। चाची ने इस पर कहा, हम समझते हैं, पर इसका भी उपाय है। तुम्हें बार बार चाय बनाने से दिक्कत है ना, तुम एक काम करो, घंटा डेढ़ घंटा में एक बार कुछ कप चाय बिजली वाले केतले या हॉट पॉट में बिना चीनी के बनाकर रख लो। जब बिल मिलने वाले लोग आते हैं तो उनके अनुसार चीनी कम या ज्यादा मिलाकर दे दो। शर्माइन को विचार तो अच्छा लगा पर कुछ शंका के साथ कहा, लेकिन चाची अगर किसी को अच्छा नहीं लगा कि हम रखा हुआ चाय दे रहे हैं। इस पर चाची ने हंसते हुए कहा, पहले तो किसी को इतनी फुर्सत नहीं पूछने की कि तुमने चाय कब बनाया अरे गुड्डी की अम्मा, तुम सबको खुश नहीं रख सकती। इंसान को तो भगवान भी खुश नहीं रख पाया तो तुम्हारी और हमारी क्या औकात, इतना मत सोचो, जो तुम्हारे सच्चे हितैषी होंगे वो समझ लेंगे। शर्माइन को बात जंच गई। इसके बाद तो कैसे 3 हफ्ते गुजर गए उसे उसका पता भी नहीं चला, बल्कि वह भी लोगों के साथ बैठकर बातें करने लगी, क्योंकि उन्हें चाची ने एहसास करा दिया था कि लोग ही हैं जिनसे हमें अपने होने का एहसास है। सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए। और चाय की समस्या को सुलझाकर उसने यह भी समझ लिया था कि कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका उपाय ना हो। एक अच्छी चाय की महक जैसे लोगों को अपनी ओर खींचती है, वैसे ही एक सच्चे रिश्ते की महक लोगों को एक दूसरे की ओर खींचती है।